टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ एक नया खाता। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 16 अगस्त को पांचवी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पूर्व पीएम के समाधि स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही समाधि स्थल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। बता दें कि भारतीय राजनीति के अजात शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। अटल बिहारी की शख्सियत ऐसी थी कि विरोधी भी उनके मुरीद हो जाते थे। अटल बिहारी के पास वो कला थी जो विरोधियों को भी चुप करा देती थी, साथ ही वो नाराज साथियों को अपनी इस कला से मना भी लेते थे। ऐसा ही एक वाक्या है साल 2000 का, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी के कैबिनेट में ममता बैनर्जी भी बतौर रेल मंत्री शामिल थी। एक रोज अटल बिहारी कोलकाता के दौरे पर थे, उन्होंने ममता बैनर्जी से मिलने की इच्छा जाहिर की। उसके बाद क्या हुआ वो आपको आगे बताएंगे। उससे पहले इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। 6 जुलाई साल 2000 को ठीक शाम 5:30 बजे अटल बिहारी 30B हरीश चैटर्जी स्ट्रीट स्थित ममता बैनर्जी के तत्कालीन घर पहुंच गए। घर काफी छोटा था, लेकिन प्रधानमंत्री होने के बावजूद अटल बिहारी ने कोई संकोच नहीं किया। ममता के घर पहुंच अटल बिहारी ने उनकी मां गायत्री देवी से मुलाकात की। अटल बिहारी वाजपेयी ने गायत्री देवी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। ममता बैनर्जी और उनकी माँ ने भी अटल बिहारी का जोरदार स्वागत किया। गायत्री देवी ने अटल बिहारी को एक गुलाब और सिल्क उतरिया भेंट की। इस दौरान ममता और उनकी मां अटल बिहारी के इस व्यवहार से काफी खुश दिखे। सबने मिलकर फोटो भी खिंचवाई। अटल बिहारी करीब 20 मिनट तक ममता बैनर्जी के छोटे से घर पर रहे। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए थे। सुरक्षा के मद्देनजर घर के आसपास के रास्तों को खाली करा लिया गया था। हालांकि ममता बैनर्जी ने अटल बिहारी की इस दौरे को व्यक्तिगत दौरा बताया था, लेकिन जानकारों के मुताबिक ममता उस वक्त वाजपेयी सरकार से नाराज चल रही थी। वजह ये थी कि तब वाजपेयी सरकार ने बंगाल में स्थित 4 PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बंद करने का फरमान सुनाया था, जो ममता बैनर्जी को नागवार गुजरा था। ममता ने इस बात का विरोध अटल बिहारी के सामने दर्ज कराया था और अपनी नाराजगी जाहिर की थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने तरीके से ममता बैनर्जी को मनाने की पूरी कोशिश की थी। अटल बिहारी का ममता के घर जाना, उनकी मां से मिलकर आशीर्वाद लेना भी इसी का हिस्सा बताया जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के और वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।